आखिर अभीरा और रूही में से किसको बचाएगा अरमान? क्या अभीरा और अरमान हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग? मैं हूं खुशी सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर अभीरा को अरमान की सच्चाई पता चल जाती है, उसे पता चल जाता है कि अरमान उसे डिवोर्स देने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ आगे हम देखेंगे कि अभीरा अरमान से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो काफी ज्यादा टूट जाती है। यहाँ पर अरमान अभीरा को मनाने की कोशिश करता है लेकिन अभीरा नहीं मानती और वहाँ पर वो एक ट्रक पर चढ़ के वहाँ से जाने लगती है। आगे आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अरमान को दो कॉल्स आएंगे, एक तरफ एक रूही का और दूसरा अभीरा का, जहाँ उसे पता चलेगा कि दोनों ही रूही और अभीरा किडनैप हो चुकी हैं और दोनों की जान खतरे में है और यहाँ पर उन दोनों को ही अरमान की काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ जब किडनैपर्स अरमान को कॉल करते हैं तो अभीरा कहती है कि तुम प्लीज रूही की जान बचाओ, उसके तो घर वाले हैं, उसे कुछ हो जाएगा तो घर वाले सह नहीं पाएंगे, मेरा क्या है, मेरा तो कोई नहीं। अब यहाँ पर सच में अरमान जो है वो निकल जाता है रूही को बचाने के लिए और वो भगवान से कहता है कि भगवान मैं अभीरा को आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज उसकी मदद करना। अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर अभीरा को गुंडों ने उसे पूरे बॉम्ब से बांधा हुआ है और दूसरी तरफ वहाँ रूही को गुंडों ने खाई में लटकाया हुआ है। अब यहाँ पर अरमान जैसे ही रूही गिरने वाली होती है खाई में, वो वहाँ पर ऐन मौके पर पहुँच जाता है और रूही की जान बचा लेता है। अब यहाँ पर रूही की जान बचाता है जैसे ही वो, तो वहाँ से रूही और अरमान दोनों निकल जाते हैं अभीरा की जान बचाने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर जैसे ही अरमान पहुँचेगा तो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और अरमान को ऐसा लग रहा है कि अभीरा मर चुकी है। अब सच्चाई क्या है, क्या अभीरा जिंदा है या नहीं, अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के।